दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी में स्वागत है आज की वीडियो में हम कवर करेंगे हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक धार्मिक आंदोलन देखिए धार्मिक आंदोलन में दोस्तों बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये दोनों ही मैं आपको इस वीडियो में कवर कराने वाला हूँ और टॉप फिफ्टी क्वेश्चन दोस्तों कवर कराऊंगा जो कि अभी तक की अलग अलग परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक देखेगा और इन पचास में से दोस्तों आप लोग कितने क्वेश्चन के आंसर सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा देखिए मैं आपको टॉपिक वाइज पूरा जी के साइंस करंट अफेयर कवर करा रहा हूँ अगर आप लोगों को हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन लेना है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ओनली टॉप स्टडी चैनल को नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा बेल आइकन को भी ऑन कर लेना ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप एक भी दिन की वीडियो को मिस ना करें वीडियो पसंद आने पर लाइक करिएगा अपने भाई बहन दोस्तों के साथ में ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा और आप हमारी ये दो पी डाउनलोड करके दोस्तों जीके और साइंस का पूरा कोर्स कवर कर सकते हैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है चलिए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बुद्ध किस वंश से दोस्तों संबंधित थे मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपसे पांच क्वेश्चन का एक टेस्ट लेने वाला हूं तो उस टेस्ट में स्कोर आप तभी कर पाएंगे दोस्तों जब ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा साक्य यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर वन का दूसरा क्वेश्चन आता है प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई मेरे प्यारे दोस्तों दूसरे क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा राजगृह यानी कि सी राइट आंसर right हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टू का अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों तो देखिए बौद्ध साहित्य को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा आपका त्रिपिटक यानी कि ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर थ्री का तो ये आपको याद रखना है अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है तृतीय बोध संगीत कहां आयोजित हुई तो देखिए तृतीय बोध संगीत दोस्तों ये आयोजित हुई थी कहां पर पाटलिपुत्र यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है बौद्ध शिक्षा केंद्र था कहां पर था दोस्तों ये आपको बताना है तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं विक्रमशिला दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा तो ये आपको याद रखना है अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करते हैं तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म में त्रिरत्न आपके बुद्ध धम्म और संघ को इंगित करते हैं यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स का अगला क्वेश्चन दोस्तों बोध गया कहाँ स्थित है तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है और मेरे प्यार दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है ठीक है इस तरीके से पढ़ाने की जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक कर दिया करें और अपने हर एक ग्रुप में अपने हर एक उस दोस्त को जो तैयारी करता है जो मेहनत करता है दोस्तों उस तक ज़रूर शेयर कर दिया करें सातवें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल ये दोस्तों बिहार में है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है तो ये आपको याद रखना है अगला क्वेश्चन दोस्तों है सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल सही है ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों कहाँ हुई थी गया में यानी कि डी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर एट का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कि अभी तक की अगर मैं बात करूँ दोस्तों कम से कम भी छः सात एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा धर्म चक्र परिवर्तन यानी कि डी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर नाइन का अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है तो देखिए ध्यान से सुन रहे होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है दोस्तों किसका तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बोधो का यानी कि राइट आंसर इज बी तो ये या आपको याद रखना है अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था दोस्तों तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल सही है ये दोस्तों कहां पर किया था कुशीनगर में यानी कि ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है किस शासक ने बोधों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा धर्मपाल ने आप लोग यहां पर देख सकते हैं डी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का अगला क्वेश्चन है दोस्तों बुद्ध ने सर्व अधिक उपदेश कहां दिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा बिल्कुल शरावस्थी में दोस्तों यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टीन का अगला क्वेश्चन दोस्तों बुद्ध को पर, पर कहां प्राप्त हुआ था तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों बिल्कुल ये प्राप्त हुआ दोस्तों बोध गया में यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन दोस्तों बुद्ध धम और संग मिलकर कहलाते हैं तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा बिल्कुल अभी बताया था दोस्तों आपको त्रिरतन यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन है दोस्तों इच्छा सब कष्टों का कारण है इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बिल्कुल बौद्ध धर्म है यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन दोस्तों गौतम बुद्ध का गुरु कौन था तो देखिए गौतम बुद्ध का दोस्तों गुरु कौन था इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका अलार कलाम यानी कि ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा बी राइट आंसर रहेगा अगला क्वेश्चन दोस्तों बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहां बिताई थी तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट right आंसर क्या हो जाएगा कुशीनगर में यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन है दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल अशोक का रुमिंदे स्तंभ यानी कि दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा तो ये आपको याद रखना है अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है बोध ग्रंथ पिटको की पहचान निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट right आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल सही राइट right, दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पाली भाषा में ठीक है तो ये आपको याद रखना है अगला क्वेश्चन है साची क्यों विख्यात है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका सबसे बड़ा दोस्तों बोध स्तूप है इसलिए तो बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन का अगला क्वेश्चन दोस्तों आते हैं गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में यानी कि सी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू का अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षणी संघ की स्थापना कहां की गई थी तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका वैशाली में यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन है किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है तो एशिया की रोशनी दोस्तों किसे कहा जाता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध को यानी कि बी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर का अगला क्वेश्चन दोस्तों कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बोध संगीत सभा किस नगर में आयोजित की गई थी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तो पच्चीसवें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल ये की गई थी कहां पर दोस्तों कुंडल वन कश्मीर में यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी कुंडल वन कश्मीर में तो ये आपको याद रखना है अगला क्वेश्चन दोस्तों धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध के काल में यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन दोस्तों प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसने की किसमें की गई थी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पाली पार्ट में यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन है निम्न निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा वाम सात नी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा यानी कि डी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट का अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है बोधो के पवित्र अवशोषों पर निर्मित गुंबदकार छत वाली आद गोलकार संरचना को क्या कहते हैं दोस्तों इसको क्या कहते हैं बिल्कुल सही आंसर है स्तूप कहते हैं और ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिल जाता है एसएससी के एग्जाम में खासकर ये आता है तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध की मृत्यु दोस्तों किस वर्ष में हुई थी तो इस क्वेश्चन का राइट रे, राइट आंसर हो जाएगा फोर हंड्रेड एट्टी थ्री यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगमों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा बुद्ध के युग में यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अब आ जाते हैं जैन धर्म पे तो जैन साहित्य को क्या कहते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अंक कहते हैं यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो कि अभी तक के कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है तो ये थे दोस्तों चंद्रगुप्त यानी कि सी रा, राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री का अगला क्वेश्चन दोस्तों दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सर्वण बैलगोला यानी कि डी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर का अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है अनुवरत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा जैन धर्म से यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन दोस्तों खुजराओं में प्रसिद्ध जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा चंदेलों ने यानी कि बी राइट आंसर, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स का अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ल्प सूत्र यानी कि ए राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन का अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है महावीर कौन थे तो देखिए महावीर दोस्तों जैन धर्म में चौबीसवें तीर्थाकर थे यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा तो ये महावीर ही है यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन दोस्तों वर्धमान महावीर ने परिनिर्माण कहाँ स्थापित किया तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट राइट आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल पवापुरी यानी कि ऑप्शन दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन है जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थाकर हुए हैं दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा चौबीस यानी कि सी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन का अगला क्वेश्चन है महावीर की माता कौन थी तिरशाला दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर महावीर की मृत्यु कहां हुई थी दोस्तों तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा पावापुरी यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री का जैन धर्म कल्प सूत्र के रचयिता कौन है तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल भद्रबाहु यानी कि दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन है ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर में जैन संघ की स्थापना कहां की राइट आंसर हो जाएगा पवापुरी यानी कि सी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव का अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कुंड ग्राम में यानी कि ए राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन है भगवान महावीर का प्रथम विषय सॉरी शिष्य कौन था दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य दोस्तों कौन था राइट आंसर इज यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा अगला क्वेश्चन है जैनियों के पहले तीर्थाकर कौन थे दोस्तों राइट right आंसर हो जाएगा ऋषभ देव यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कई बार पूछा जाता लास्ट वाला और प्रथम तो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है अगला क्वेश्चन दोस्तों महावीर का मूल नाम था दोस्तों राइट right आंसर क्या हो जाएगा वर्धमान यानी कि ऑप्शन सी इज द right राइट आंसर दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों राइट right आंसर हो जाएगा चालुक्यों या सोलंकियों ने यानी कि ऑप्शन दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा ठीक है अब पचास के ये क्वेश्चन देखने के बाद में इन्हीं पचास में से दोस्तों पांच क्वेश्चन टेस्ट में रखे हैं तो फटाफट आंसर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में ठीक है तो पहला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का गुरु कौन था जल्दी से बताइएगा अगर ज़्यादा समय चाहिएगा तो वीडियो को पॉज कर लेना दूसरा क्वेश्चन बौद्ध शिक्षा का केंद्र था तीसरा क्वेश्चन महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों ये तीन क्वेश्चन थे तो तीनों के आंसर आई होप कि आप लोगों ने सही कर दिए होंगे ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में वीडियो को अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए शेयर भी कर देना भाई ठीक है काफ़ी मेहनत से हम वीडियोस बना रहे हैं तो आप इनको जरूर सपोर्ट करिए वीडियो को शेयर करके लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें ये टाइमिंग है दोस्तों और ये दो पी डाउनलोड करके आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं थैंक यू सो मच बाय बाय एवरी टेक केयर अपना ख्याल रखें